होता मैंने रिजाइन किया होता यू वुड हैव अगर मैं होता मैंने रिजाइन किया होता बस उनका सवाल आप उनसे पूछे जो उनको तब सही लगा उन्होंने तब वो किया उनका एहसास नहीं होता तो नाराजगी भी कहीं ना कहीं इसी वजह से थी बिल्कुल थी है उसमें कोई शक नहीं है है हेल्दी नाराजगी है बिल्कुल है अभी भी है हमारी पार्टी की अच्छा ये 100% परफेक्ट नहीं यू आर शार्प एंड ब्लंट कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस बुरा ही इंसान हूं गुस्सा भी आता है खुशी भी होती है कब आया उदास भी होता हूं अब याद नहीं शायद पर्सनल रीजंस की वजह से कभी गुस्सा हूं हां एक गुस्सा है जो आपका भी होना चाहिए जो मेरा भी होना चाहिए वो बहसते कश्मीरी है पार्टीज फारूकुल्लाह साहब की रेजिडेंस पे बैठ के चाय इकट्ठे पीते थे लेकिन आज वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने जलसे में कहा कि फारूक अब्दुल्ला ना मंजूर उमर अब्दुल्ला ना मंजूर सो व्हाट आर यू गोइंग टू टेल योर पीपल वो ग्रो होना चाहते हैं आई विश हिम बेस्ट मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं अच्छा बच्चा है ग्रो करे अगर सही से सियासत करता है तो काम आएगा पार्टी में नाराजगियां होती हैं आप ही नाराज रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत देर तक एंड देन मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब एंड फारूक अब्दुल्ला साहब केम टू योर हाउस सो नाराजगी क्या थी हिंदुस्तान में जमहूरियत खत्म हुई होगी यहाँ पे अभी जमहूरियत चल रही है हर किसी रुहुल्लाह साहब आपने कहा कि पार्टी का डिसीजन था खुद का फैसला आपका बारामूला से लड़ना था या श्रीनगर से वेयर आर यू कंफर्टेबल मोर जब पार्टी का डिसीजन था तो मैं पार्टी का एक जुज हूँ उस डिसीजन में कि मैं एक फैक्टर था तो पार्टी का डिसीजन मतलब हम सब का डिसीजन किसको कहाँ से लड़ना था इट्स ऑल हाइपोथेटिकल अब हकीकत जो है वो आपके सामने है खुद तैयार थे आप किस हवाले से इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन मेरे लिए एक जो कन्विंसिंग बात थी मेरे लिए दूसरी पार्टी में चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं है शायद मैं यहाँ पे पूरी ऑनेस्टी के साथ और मैं ये एक्सपेक्ट करता भी हूँ और वही साबित भी होता है कि मेरी राय को यहाँ पे को सुना जाता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र चुरा के चले जिस्मों जहाँ बचा के चले दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है वो हैं रूहुल्लाह मेहदी साहब जो किस्मत आजमाई कर रहे हैं श्रीनगर बड़गाम पुलवामा शोपियन की जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट दिया गया है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इनके कंधों पे, लेकिन क्या कुछ मुकाबला सख्त है हम आज के प्रोग्राम में सीधे मुखातिब हो रहे हैं रूहुल्लाह मेहदी साहब से बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी जी बहुत बहुत रूहुल्लाह साहब हाउ आर यू फीलिंग जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि क्या जो हिम्मत हम कोशिश कर रहे हैं इस कौम को दिलाने की और कौम के ज़रिए ख़ुद भी हिम्मत हासिल करने की ताकि अपने मसाइल से इन हालात से लड़े क्या वो हिम्मत जुड़ पाएगी और क्या फिर उस हिम्मत की तर्जुमानी सही से हो पाएगी रूहुल्लाह साहब इनिशियली मैंने सुना था कि आपको बारामुल्ला से शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस फील्ड कर रहे हैं तो श्रीनगर फिर डोंट यू थिंक इट्स सरप्राइजिंग पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं हर डिसीजन एक कैलकुलेशन पे चीज़ों को नज़र में रख के प्रॉपर डेलिब्रेशन के बाद लिए जाते हैं और ये फैसला भी वैसे ही लिया गया अब कहाँ किसको कहाँ से लड़ना था इट्स ऑल हाइपोथेटिकल अब हकीकत जो है वो आपके सामने है खुद तैयार थे आप किस हवाले से इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन मेरे लिए एक जो कन्विंसिंग बात थी मेरे लिए एक मौका लेके आया पार्लियामेंट का इलेक्शन के जो बात पिछले 4-5 से हमें बहस कौम करनी चाहिए थी और जिसके लिए वो पॉलिटिकल स्पेस हमें नहीं दी जाती थी और हमारा दायरा बहुत महदूद था अगर कोई बात करना भी चाहता था तो वो पॉलिटिकल स्पेस जो है ये इलेक्शन आपको प्रोवाइड करती है और आप वो मोबिलाइजेशन कर पाते हैं आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन कम से कम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अपने अहदाफ के लिए अपने सेंटिमेंट्स के लिए अपनी अपनी सियासी नज़रिया के लिए जो जम्मू कश्मीर का इस वक्त होना चाहिए और है तो वो एक कन्विंसिंग फैक्टर था मेरे लिए इस इलेक्शन के लिए तो वो उस कन्विंसिंग फैक्टर ने मुझे इस चीज़ के लिए आमादा किया रूहुल्लाह साहब आपने कहा कि पार्टी का डिसीजन था खुद का फैसला आपका बारामूला से लड़ना था या श्रीनगर से वेयर आर यू कंफर्टेबल मोर जब पार्टी का डिसीजन था तो मैं पार्टी का एक जुज हूँ उस डिसीजन मेकिंग में एक फैक्टर था तो पार्टी का डिसीजन मतलब हम सब का डिसीजन था तो जहाँ पे भी जो भी कंफर्टेबल था वो आपके सामने जो फैक्ट्स है अब जो हकीकत है अब
ये पार्टी का डिसीजन है, वो सब कुछ नज़र में रख के एक अच्छा सा डिसीजन लिया गया और मुझे लगता है लोग इस डिसीजन के हक में। I'm a bit confused. पार्टी का डिसीजन और आपका डिसीजन, मतलब where were you comfortable? मेरे बगैर, मेरी सलाह मशवरे के बगैर ये डिसीजन नहीं हो सकता था। अच्छा, पार्टी से मैं कभी, मुझे नहीं लगता इस तरह का डिसीजन, मुझे पार्टी से बाहर शुमार करके ऐसा डिसीजन लिया जा सकता। अच्छा, so we were taken into confidence. बिल्कुल प्रॉपर डिलिब्रेशन हुई थी। ओके, तो श्रीनगर से आपको कहाँ पे चैलेंज इस वक्त लग रहा है, चूँकि वहीदुर्रहमान परा आपके मध्य मुकाबले है, इट्स अ ट्राइंगुलर कॉन्टेस्ट बिटवीन यू, वहीद परा एंड अपनी पार्टी मोहम्मद अशरफ मीर, सो व्हाट आर योर मेजर चैलेंज इन द श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी? श्रीनगर पार्लियामेंट हो या बारामूला हो या साउथ हो, हमारे लिए चैलेंज इस वक्त ये है कि क्या आप लोगों की वो लिव विल डेवलप कर पाते हैं इस इलेक्शन के ज़रिए, पॉलिटिकल विल डेवलप कर पाते हैं ताकि वो अपने हुकूक के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपने अपनी डिग्निटी के लिए वो बोलना शुरू करें, मोबलाइज होना शुरू करें और पॉलिटिकली अपनी एक्सप्रेशन शुरू करें और इस माइट के साथ लड़े, इस ताकत के साथ लड़े जो इस वक्त हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर रही है, जिसे RSS BJP कहा जाता है। तो हमारे लिए चैलेंज है कि उस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को, उस पॉलिटिकल हाल स्पेस को क्रिएट किया जाए, सियासी हालात को बनाया जाए ताकि चार साल के दौरान हम जो बात नहीं कर पाए और अपने हुकूक की तर्जमानी नहीं, शायद हमें दबाया गया, हालात वैसे बनाए गए, वो अब मोबिलाइजेशन शुरू हो। तो लोगों को जमा करना, इकट्ठा करना, लोगों को वो हिम्मत देना और उनकी एहसास को समझना और फिर वो एक लॉजिकल कोर्स पे उस बात को शुरू करना, ये हमारे लिए चैलेंज है। पार्टी में नाराज़गियाँ होती हैं, आप ही नाराज़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत देर तक, एंड देन मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब एंड फारूक अब्दुल्ला साहब केम योर हाउस, सो नाराज़गी क्या थी? हिंदुस्तान में जमहूरियत ख़त्म हुई होगी, यहाँ पे अभी जमहूरियत चल रही है, हर किसी को अपनी राय देने का हक है, नाराज़ होने का भी हक है, मैंने भी अपनी राय दी, हमारे अपने अपने नज़रियात थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बात का जवाब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अल्फाज से दिया कि उनके और मेरे, मेरी तरफ इशारा करके कहा कि उनके और मेरे अल्फाज में शायद फ़र्क हो सकता है, तरीके में फ़र्क हो सकता है, हमारा हदफ एक है, जहाँ तक हमारा हदफ एक है तो नाराज़गियाँ हो सकती है, इख्तलाफ हो सकते हैं और इख्तलाफ होना पार्टी की सेहत के लिए अच्छा है, जमहूरियत की सेहत के लिए अच्छा है। सबसे अहम बात यह है कि हमारा हदफ एक है, वो जो हमने कहा कि हम पार्टी का भी वही हदफ है, जो मेरी तरफ उन्होंने इशारा कर मेरा नाम लेके कहा कि जो इनका हदफ है, तो सबसे अहम बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सबका यहाँ पे हदफ एक है, वो आपकी और मेरी आबरू और हमारे जमहूरी हकूक है। रूहुल्लाह साहब, नाउ कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स, मैंने एक न्यूज़ की थी कि रूहुल्लाह साहब जो हैं, आपने तकरीर में भी बोला था कि आई वॉन्ट यूनिटी, बिल्कुल, तो इस वक्त हमें क्यों देखना पड़ता है कि PAJD जो कुछ देर पहले, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पीपल वॉन्ट टू नो इट, आई वॉन्ट यू टू आंसर इट वेरी ऑनेस्टली, आज वहीदुर्रहमान पर्रा आपके मध्य मुकाबले है, कल आप दोनों पार्टीज फारूक अब्दुल्ला साहब की रेजिडेंस पे बैठ के चाय इकट्ठे पीते थे, लेकिन आज वहीदुर्रहमान पर्रा ने अपने जलसे में कहा कि फारूक अब्दुल्ला ना मंजूर, उमर अब्दुल्ला ना मंजूर, सो व्हाट आर यू गोइंग टू टेल योर पीपल? उनका सवाल आप उनसे पूछे, आपने जिस सवाल, जिन अल्फाज से सवाल का आगाज़ किया, यूनिटी बिल्कुल मैं अभी भी चाहता हूँ, कल भी चाहता था और आप भी और मैं भी, सवाल आपसे रिलेटेड है, बिकॉज़ मैं टोल्ड योर जलसा, मैं उसी का, आई एम विद द यूनिटी, तो आप भी और मैं भी और हम सब कल भी यूनिटी चाहेंगे और हमारी ज़रूरत है, अगर हम उस कॉज के लिए सब, हमारी नीयत सही है, जो कॉज हम सब कह रहे हैं कि हमारा मकसद बहुत बड़ा है, हमारी डिग्निटी जो हमसे छीनी गई, हमारे राइट जो हमसे छीने गए, इलेक्टोरल कंपटीशन के बाद भी हमें ज़रूरत महसूस होगी उस कॉज के लिए लड़ने के लिए। अब जो यूनिटी जो ये बिखरी, ये जो इख्तलाफ हुआ, ये मैंने इससे पहले भी कहा, आपकी नाज़रीन की खिदमत में भी अर्ज करूँ, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता था और अभी भी नहीं चाहता हूँ कि ये यूनिटी जो है वो बिखरे और हम इन हालात में हो, मगर इस बात की भी अब थोड़ा सा मैं खुल के बात करूँ, इस बात, आई वॉन्ट यू टू स्पीक ओपन, बिल्कुल, इस बात की भी तहकीक करनी चाहिए, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, उसी तकरीर में कहा जिसका शायद आप हवाला दे रहे हैं अपनी बड़गाम में, शायद हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में भी कहा कि हमें देखना चाहिए कि हमारे सफ़ों में ऐसे कौन लोग हैं, मेरी अपनी पार्टी भी, हमारी पार्टी भी और दूसरी पार्टी भी, अपने सफ़ों में देखें हमारे सफ़ों में ऐसे कौन लोग हैं जो इस यूनिटी के ख़िलाफ़ है और जिनको ये काम दिया गया था कि इस यूनिटी को तोड़ा जाए। मैं शायद चीज़ों को यहाँ पे
influence शायद सही word नहीं है, but for the use of better word जो कि है नहीं इस वक्त मेरे पास, शायद influence कर पाऊँ कि यहाँ पे मिजाज बना सकूँ या राय बना सकूँ कि किस तरह से चलना चाहिए. किसी हद तक यहाँ पे narrative को शायद अपने तरीके से पेश करना मेरे control में हो सकता है. दूसरी party में चीज़ें मेरी control में नहीं है. शायद मैं यहाँ पे पूरी ऑनेस्टी के साथ, और मैं ये एक्सपेक्ट करता भी हूँ और वही साबित भी होता है कि मेरी राय को यहाँ पे को सुना जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है. शायद मैं यहाँ पे तहकीक करने में टू इंट्रोस्पेक्ट मैं कॉन्फिडेंटली आपको जवाब दे सकता हूँ. कल से ही शुरू कर सकते हैं, कल से ही देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारी तरफ से गलती हुई. मगर दूसरी पार्टी में चीज़ें मेरी कंट्रोल से बाहर हैं. यूनिटी के लिए हमें दोनों तरफ से एक ही लाइन पर, एक ही पेज पर और एक ही लैंग्वेज पर होना ज़रूरी है. तो उस तरफ से ये देखना है, इस तरफ से ये देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये काम दिया गया था कि इस यूनिटी को तोड़ा जाए. उसका जवाब आपको ट्रेल्स, जब आप फुटप्रिंट देखें, टाइमलाइन देखें कि ये कहाँ से शुरू हुआ. और आप अपनी अपने नाज़रीन के लिए भी और मेरी इत्तला के लिए भी आप हम सब पे एक एहसान करेंगे और अपने पेशे के तई आप बहुत बड़ी खिदमत करेंगे अगर आप एक तहकीकी रिपोर्ट जारी करें कि ये डिस यूनिटी की या एक दूसरे पे तनकीद करने की आवाज़ें कहाँ से शुरू हुई और किस से शुरू हुई. कौन सा ऐसा योम तासीस था, किस तंजीम का योम तासीस था, जिस दिन पहली बार इस PAGD के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ख़िलाफ़ तकरीर की गई. क्या वो स्टेज पहला स्टेज नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, क्या वो पहला स्टेज दूसरी तंजीम का था, और किस फर्द ने पहली तकरीर की, किस तंजीम के ख़िलाफ़ तकरीर की, और कब से ये बातें शुरू हुई. तो वी नीड टू डिग इनटू दैट. अब मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप एक तहकीकी रिपोर्ट शाया करें, देखें ये कहाँ से शुरू हुआ. तो हमें उन अफराद की यू आर ब्लेमिंग एज पर माई नॉलेज वहीद रहमान परा, वो शायद शेर कश्मीर में एक जलसा कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने आपके खिलाफ बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोला. तो व्हाई डोंट यू टेल ओपनली टू द पब्लिक दैट वहीद रहमान पर्रा इज रिस्पॉन्सिबल. मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, आपने तहकीक एक मिनट में पूरी कर दी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. इससे ज़्यादा मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा. तो इस तरह के एलिमेंट्स अगर हमारी तंजीमों में है तो हम जब तक इन चीज़ों का इलाज ना करें. यू मीन टू से कि वहीद रहमान पर्रा वाज द पर्सन हु डिग्रेडेड दिस PAGD. मैंने आप पे जिम्मेदारी आपको अर्ज किया कि आप एक तहकीक करें, एक रिपोर्ट तैयार करें. अब देखें अगर हमारे स्टेज से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेज से इब्तिदा हुई हो तो आप हमें उस हकीकत से आगाह करें. अगर दूसरी तरफ से ये शुरुआत हुई हो आप उन्हें इस चीज़ से आगाह करें. मेरे कहने का मतलब कि PDP की नीयत में जो है खोट थी. PDP मैं नहीं कहूँगा कि PDP की नीयत में, अगर कोई शख्स किसी जमात से बड़ा है तो शायद अगर वो उनकी उन बातों से वो इतफाक़ करते हैं तो हाँ फिर वो सवालिया निशान उन पर लगता है. अगर वो जमात किसी शख्स से बड़ी है तो हाँ मैं अभी भी PDP की नीयत में शक नहीं करूँगा. शायद वो किसी एक शख्स का इनफरादी तौर पर गलती हो या आमदन किया गया हो, अकार हो, काम हो. तो ये जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे अशखास हैं किनको ये काम दिया गया था. बट मेहदी साहब महबूबा जी के साथ मेरी बात हुई, शी टोल्ड मी कि एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है इनको. अगर एक सीट PDP को मिल जाती साउथ कश्मीर से, रजौरी पुंछ वाली सीट, हमने कुछ और नहीं मांगा था, हमने कोई सरकार पूरी नहीं मांगी थी, हमने सिर्फ एक पार्लियामेंट सीट मांगी थी. मैं मुतफिक हूँ आपसे भी, उनसे भी, कोई एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता. उमर साहब केम इन टू प्रेस एंड उमर साहब ने कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल भी ये नहीं देंगे, हमें लास्ट टाइम भी हमारा MP था, इस टाइम भी हमारा MP होगा, श्रीनगर से हमारा MP था. हर इफेक्ट का एक कॉज होता है, इट्स रीजन, मंतकी है, हर इफेक्ट का एक कॉज होता है. अगर ये कॉज था, मैं अभी उमर साहब की शख्सियत से भी, उनकी बातों से भी दूरी अख्तियार करूँगा. अगर ये इफ़ेक्ट था तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी को आप सजा दें. कम से कम उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि कहीं ना कहीं से वो कॉज एंड इफ़ेक्ट का सिलसिला शुरू हुआ जिसे हमें ठीक करना चाहिए और अभी भी ठीक करने की गुंजाइश भी है और ज़रूरत भी है. तो उस कॉज को आप देखिए जिसे इफ़ेक्ट्स की ये सिलसिला शुरू हुआ. काश वो सब शुरू नहीं हुआ होता. मैं भी अभी भी चाहता हूँ कि जो आपकी बात है काश वही सही होती. एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, मगर माहौल किसने बनाया
इन सब चीज़ों के लिए, और मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, देखिए इलेक्टोरल कंपटीशन से भी बड़ा चैलेंज अभी भी हमारे सामने, शायद हम अभी इस इलेक्टोरल कंपटीशन में हैं। आप लोगों की निशानदेही कीजिए कि कौन जिम्मेदार थे इस सिद्धांत को तोड़ने के लिए, कौन नहीं थे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से कॉज हुआ, और इसके बाद भी जितनी भी हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाए, इसके बाद भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। जिस हदफ़ के लिए हम लड़ रहे हैं, हमें इस पार्टी की सियासत से ऊपर उठ के आगे अपने कॉज के लिए एकजुट होना पड़ेगा, मुतहद होना पड़ेगा, और ये रास्ते जुड़ेंगे। आप मुझसे प्रडिक्शन लेके चलिए, ये रास्ते जुड़ेंगे, शायद इलेक्टोरली जुड़े या ना जुड़े, आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम आप इस्तेमाल करें, कोई भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, उनको मुतहद होने की ज़रूरत पड़ेगी। रुहुल्ला साहब, एक और सवाल है, मिजाजन आप बड़े नरम लग रहे हैं, गुस्सा आता है कभी ज़िंदगी में? इंसान हूँ, गुस्सा भी आता है, खुशी भी होती है, कब आया था? उदास भी होता हूँ, अब याद नहीं, शायद पर्सनल रीजंस की वजह से कभी गुस्सा हूँ। हाँ, एक गुस्सा है जो आपका भी होना चाहिए, जो मेरा भी होना चाहिए, वो बहसत कश्मीरी है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसके लिए हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक नहीं किया था, और ये हमारा मुकाम नहीं था ईसाई में, इसका गुस्सा है, इसका गुस्सा है बिल्कुल, कि जो इस वक्त हालत बीजेपी की जानिब से की गई है जम्मू कश्मीर में, तो आप उससे नाराज़ हैं? हमारे स्टेटस से मैं नाराज़ हूँ, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेटस नहीं था जिसके लिए उन्होंने एक्सीड किया था हिंदुस्तान के साथ। रुहुल्ला साहब, इफ समबडी टेल्स यू दैट योर उमर अब्दुल्ला साहब हैड बीन विद बीजेपी, जी, तो आप ये इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है आपके लिए कि हर चीज़ क्या आप दे सकते हैं? हर चीज़ के बारे में अगर मैं अकाउंटेबल हूँ तो उसका मेरे कंट्रोल में होना ज़रूरी है। जी, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने सियासत शुरू की है, 22 साल हुए हैं मेरे इस सियासी सफ़र को, मैं खुशी से कह सकता हूँ तब से लेकर आज तक मेरी राह बीजेपी के साथ नहीं जुड़ी है। जिस तंजीम के साथ मैंने काम किया है इन 22 सालों में, बीजेपी की और हमारी राह कभी नहीं जुड़ी है। 2014 के इंतखाबात के बाद बीजेपी शायद आई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ एक दावत लेके अलायंस के लिए, मैंने तब अपनी राय का इजहार किया, उमर साहब की उनके कानून तक भी ये बात पहुंचाई और अपनी पार्टी के दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचाई कि मैं इसके हक में नहीं हूँ। अगर ऐसी बातें वहाँ से आ रही है, एज इंडिविजुअल वी शुड नॉट कंसिडर दैट, मैं अपने पर्सन के लिए अकाउंटेबल हूँ, किसी और के लिए नहीं, तो अगर ऐसा हुआ तो आई रिज़ाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ हुआ भी नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सियासी सफ़र के दौरान, मेरी सियासी ज़िंदगी के दौरान आप कोई ऐसा इवेंट नहीं दिखा सकते कि हम और बीजेपी मुतहद हो। तो जो चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर है उसके आई एम फीलिंग यू ऑनेस्टली यू नो आंसर माई क्वेश्चंस, हाउ डू यू डिफरेंशिएट कांग्रेस एंड बीजेपी व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आई वांट यू टू आंसर दिस। मैंने दूसरी जगह पे भी शायद आपकी फ्रेटर्निटी से आपकी के एक दोस्त के जवाब सवाल के जवाब में ये बात कही थी और दोहराऊंगा यहाँ पे। कांग्रेस में और बीजेपी के तरीके में एक फ़र्क है और ये एक एग्जांपल है। नेहरू ने कहा था पार्लियामेंट में एक बार एमपी के जवाब, चूँकि उस एमपी ने उस वक्त यही कहा था कि हम चाहते हैं कि 370 हट जाए और इसको हटाना चाहिए, नेहरू ने जो कि प्राइम मिनिस्टर थे तब, उन्होंने यही जवाब दिया था कि ये हम भी चाहते हैं कि 370 हट जाए और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जैसे आप चाहते हो वैसे ही सब कुछ एक ही हो। मगर अंडरलाइनिंग उसमें उनका ये सेंटेंस था कि ये तब होना चाहिए जब जम्मू कश्मीर के लोग खुद ये चाहें, वी शुड नॉट इम्पोज दिस अपॉन देम, ये उनकी तरफ से होना चाहिए, चाहते हम भी हैं मगर तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, सब सिर्फ हमारी चाहत है, जब तक वो खुद ना चाहे, एंड दैट मेक्स सेंस कि वो जमहूरियत के इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट देते थे। और उसके बाद 1953 के बाद अगर आप देखें, उन्होंने जो ज्यादतियाँ की हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ज्यादतियाँ नहीं हुई, बट उसमें उन्होंने हमारे लूप होल्स को इस्तेमाल किया, जो हमारे कमजोरियाँ थी, जो हमारे सियासतदान थे या हमारे माशरे में ऐसे लोग थे जो अपने ज़मीन से ज़्यादा इन चीज़ों को अहमियत देते थे कि कहाँ से इक्तदार मिल जाए, उन्हीं कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के लोगों के ज़रिए इस इंस्टीट्यूशन को, असेंबली को इस्तेमाल किया और सारी कंसेंट्स यहाँ से, कंकरेंस यहाँ से इंस्टीट्यूशन ली गई। मगर वो लूप होल्स ये थे कि हमारे उस ज़माने के जो सियासतदान थे शायद उनके पोलिटिकल मॉरल्स अपराइट नहीं थे,
उसमें और इसमें यह फ़र्क है कि आपके इंस्टीट्यूशन को बालाइताख रखा गया, रोंदा गया, इंस्टीट्यूशन में सही बंदा था या गलत बंदा था इसका लिहाज ही नहीं किया गया। उन्होंने इंस्टीट्यूशन में गलत कश्मीरी के होने का फ़ायदा उठाया नेहरू के ज़माने में। आज आपके इंस्टीट्यूशन में सही हो या गलत हो, बंदा जो भी हो, सियासतदान जो भी हो, मगर उनने आपके इंस्टीट्यूशन को ही रोंदा। और जैसे 370 को हटाया गया ना, स्टेट असेंबली से कंकरेंस ली गई ना कंसेंट लिया गया, तो फ़र्क ये है कि उनने इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट दी। हाँ, वो अनरेस्पेक्टेबल जो सही मॉरली पॉलिटिकली मॉरली अपराइट नहीं थे, उनकी गलतियों से वो इंस्टीट्यूशन मिसयूज़ हुआ और हमारी तरफ से भी वो लूप होल से सोसाइटी से इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को ही हटा दिया, रोंग दिया। तो ये बेसिक एक फ़र्क है। काश वो इंस्टीट्यूशंस का रेस्पेक्ट अभी भी होता और उन इंस्टीट्यूशंस में सही लोग होते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। तो ये बेसिक सी फ़र्क है जो पूरे हिंदुस्तान में दिख रही है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दूसरे अदलिया का जो यहाँ पे लोग बातें करते हैं, जो एनालिसिस आते हैं, जो तजिया होता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता है, ईडी कैसे यूज़ होता है वो आपको पता है, हर एक इंस्टीट्यूशन दिन पर दिन कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता जा रहा है, ये बीजेपी की ज़माने में ही आपने देखा। उस ज़माने में ये हिंदुस्तान में भी अब समझ में आ रही है बात कि इंस्टीट्यूशंस को बचाना है। इनका ऑनस्लॉट जो है बीजेपी का, ये इंस्टीट्यूशनली ही हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे और ख़त्म कर रहे हैं। उस ज़माने में इंस्टीट्यूशंस का असर था, फिर उन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, दैट्स अनदर स्टोरी। रुहुल्ला साहब, व्हाई डिड यू जॉइन नेशनल कॉन्फ्रेंस? वाज इट बाय कन्विक्शन, वाज इट अ चांस, वाज इट एन अपॉर्चुनिटी? नॉट अ चांस, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, जस्ट फ्रैंकली, माय पीपल मस्ट नो दैट व्हाट इज इनसाइड। नॉट अ चांस, नॉट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी क्रिएट की जा सकती थी एंड वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यू नीड अ कन्विक्शन किसी सफर के पे जाने के लिए, किसी काम को करने के लिए यू नीड अ कन्विक्शन। और ये इस जमात के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, आप कहते हैं क्यों, मैं कहता हूँ क्यों नहीं। हर जम्मू कश्मीर का जो रहने वाला शख्स है उनमें से अक्सर लोग अपने पॉलिटिकल ट्रेसेस को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही जुड़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये अभी भी कहूँगा ये वाहिद वो सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी बनाई हुई पार्टी है, जो एक तहरीक से शुरू हुई, जो तहरीक अपनी कन्विक्शन से, अपने जज्बात से लोगों ने शुरू की और वही फिर कन्वर्ट हुई फिर। You're going back to reading room and all. हाँ बिल्कुल। तो उसको फिर लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील किया। एक चीज़ है जिसका मैं एहसास करता हूँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ऐसे सवाल आते हैं कि क्यों, मैं कहता हूँ क्यों नहीं। हाँ, एक सवाल है कि हम उस फाउंडेशन से कितना दूर गए हैं, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर मी, फॉर द पार्टी इटसेल्फ, हम सब के लिए। हम शायद हाँ उस फाउंडेशन से दूर गए हैं। डू यू फील इट? आई फील इट। मैंने बारह इस बात को कहा है, वी नीड टू डू दैट कोर्स करेक्शन। और इस चीज़ को फाउंडेशन, यू मीन टू से यू आर टॉकिंग अबाउट दोज people like Sheikh Ubla, who was considered as a hero of Kashmir? All the people, those who founded this party, this ideology, unke saathi, Sheikh Saab, unke saathi, Beg Saab, bahut sare log hain jinki misale di ja sakti hai. Shakhsiyat se badi ideology hai, and principles hai, and directions hai, aapka compass hai, political compass hai. To ye sab cheeze mujhe lagta hai ki hum tehreek se zyada एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, तहरीक में और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो हाँ, शायद इससे पहले सिचुएशन ऐसी थी कि दैट कुड हैव बीन एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेबल था, पर इस वक्त जो सिचुएशन है इट डिमांड्स यू के आप टू बी अ मोमेंट अपनी ओरिजिनैलिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आप मुड़े और वो आप में ज़्यादा दिखे, उस काम पे आप ज़्यादा लगे। सो पीपल लाइक यू समटाइम्स इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस? अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता होता तो ये एहसास नहीं होता, इन बातों का एहसास नहीं होता। तो नाराज़गी भी कहीं ना कहीं इसी वजह से थी? बिल्कुल थी, है, उसमें कोई शक नहीं है। है हेल्दी नाराज़गी है, बिल्कुल है, अभी भी है हमारी पार्टी की। अच्छा, ये 100% परफेक्ट नहीं है। You're sharp and blunt completely at the time of elections. बुराई क्या है, गुनाह क्या है, हकीकत बोलने में गुनाह क्या है? I love it.
اور کوئی ایسی حقیقت نہیں بول رہا ہوں کہ جس سے خدا نہ خواستہ نہیں نہیں obviously لوگوں کا نقصان ہو یا پارٹی کا نقصان ہو میں بھی پارٹی کی بہتری ہی چاہتا ہوں اس پارٹی کے ذریعے میرا اس پارٹی سے بڑا ہدف ہے لوگوں کی بہتری اس قوم کی بہتری اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی اونلی آرگنائزیشن وچ ہیز ان اٹ وہ سب کچھ جو اس قوم کو ایک آرگنائزیشن کے ذریعے سے چاہیے جو ایک مومنٹ کے لیے چاہیے اس پارٹی کے پاس وہ سب کچھ ہے اس کا ڈیڈیکیٹڈ کارڈر ہے ایک آئیڈیالوجی ہے روٹس ہے بیسز ہے پرنسپلز ہے کمپس ہے شوڈ آئی ٹیک یور آئیڈیالوجی ایز ریبیلین ریبیلین آپ آپ ریبیلین سے آپ کی مراد کیا ہے کہ میں پارٹی کے عیش و عشرت سے دور بھاگ رہا ہوں وجہ سے دور بھاگ رہا ہوں وہ سب کچھ ہے آپ کے سامنے یہ مثال بھی ہے ریبیلین اس لیے نہیں ہوں یا ریبیلین نہیں ہوں کیونکہ میں کسی بینیفٹ کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے دور ہوں ہاں میں اپنے آپ کو ریبیلین نہیں میں کیسے بتاؤں اپنے آپ کو آئی ڈونٹ ہیو اے ورڈ بٹ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ پارٹی زیادہ سے زیادہ قریب تر ہوتی جائے اس فاؤنڈیشن سے جس فاؤنڈیشن سے شروع ہوئی اور اس وقت ہماری سچویشن وہی ہے جو 1930 کی دہائی میں تھی تو 1930 کی دہائی میں جو ریئیکشن اس قوم سے ہوا وہی ریئیکشن اس وقت بھی سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے یو مین سے اٹ از سیم سچویشن وچ واز ارلیئر اسے بالکل اسی کے مشابہ ہے کوئی فرق نہیں جو اوور پاور کیا سینٹر نے باقی چیزوں کو لے کے تب آپ کو مہاراجا نے ڈس انفرنچائز کیا ہوا تھا سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا ہوا تھا اب آپ کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے جو دلی میں بیٹھی ہے انہوں نے ڈس انفرنچائز کیا اور آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزن میں تبدیل کیا فرق صرف نامن کلچر میں ہے اوپر رول کون کر رہا ہے باقی آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سیم ہے تو سچویشن ہمارے لیے سیم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے 1930s کی دہائی میں جو سچویشن تھی اس وقت بھی ہماری وہی سچویشن رولا صاحب بٹ وائی ڈونٹ آئی آسک یو اے کوئسچن دیٹ یو ہیڈ 3 ایم پیز ان دا پارلیمنٹ ٹو مورو یو آر گوئنگ ٹو دا پارلیمنٹ یو آر اندر کلیگس مائٹ گو دیر سو وٹ ووڈ بی یور رول دین یور یور پریویس دوز ایم پیز ڈڈ ناٹ ریزائن ایون آن 370 یو آسک می فار مائی رول تو میں کسی اور کا رول نہیں نبھاؤں گا بٹ سم ہاؤ ایز اے پارٹی سنس یو ٹولڈ می ان دا you know opening remarks that party has decided my candidature but if I ask you the same question as a party why did not they resign at least resign was a sort of mark of protest unko should they have agar main hota maine resign kiya hota you would have agar main hota maine resign kiya hota usi ka sawal aap unse puche jo unko tab sahi laga unne tab wo kiya main apni baat ko leke apni understanding ko leke اور اپنی کنوکشن کو لے کے نکلا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے مجھے لوگوں کا جو ورڈکٹ ہے اس کے ذریعے مجھے پارلیمنٹ جانا ہوگا نہیں جانا ہوگا وہ میں لوگوں پہ چھوڑتا ہوں میرے لیے ایک اپرچونیٹی اس وقت ملی کہ میں اس الیکشن کے ذریعے وہ بات جو ابھی آپ کرنا چاہتے تھے یا پوچھ رہے کہ کیوں نہیں ہوئی میں اس الیکشن کے ذریعے وہ بات کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے احساسات کو ان کے پولیٹیکل سینٹیمنٹس کو اس ڈائریکشن میں موبلائز کرنا چاہتا ہوں صحیح طریقے سے جمہوری طریقے سے ان کو وہ پولیٹیکل ول ان میں وہ پولیٹیکل ول جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بات کرنا شروع کریں اور جس طرح سے ملک کے دوسرے لوگوں نے چاہے وہ فارمرس ہو جتنی بھی پروٹیسٹ وغیرہ ملک میں ہوئے ابھی تک اور ہوتے آ رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی پوری کانفیڈنس کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے لڑیں رولا صاحب سنس دس از مائی فرسٹ انٹرویو اینڈ انٹریکشن ود یو بٹ آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ یو آر یو نو کوائٹ اوپن ان یور آنسرز ڈونٹ یو فیل دیٹ پارٹی مائٹ بی انہیپی ود یور آنسرز سم ہاؤ ابھی تک نہیں ہوئی آج کے انٹرویو کے بعد آپ کو جواب ملے گا پارٹی کی طرف سے میں کیسے جواب دے سکتا ہوں I am really surprised that you are speaking your mind and heart اگر politicians don't if I don't go and speak my mind and heart میں پھر ہپوکریٹ ہوں میں ہپوکریسی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں not at all میں ایک صحیح سیاست کرنا چاہتا ہوں اگر سیاست ہی کرنی ہے تو صحیح طریقے سے کرے کمپس شوڈ بی رائٹ You have impressed me in this interview. I'm really seriously talking to my viewers. So, Ruhullah Sahab, where do you find yourself in this parliament as of now? Number one, number two, number three. It's a triangular competition. Achha, contest mein, parliament. Yeah, yeah. Contest mein.
शायद मैं इस बारे में पोलिंग के दिन सोचूं, अभी इस बारे में सोच नहीं रहा हूं, अभी ये सोच रहा हूं कि कहां पे जाके लोगों के साथ कितनी बात करनी है, कहां पे लोगों की बात. Did you visit some places? हां बहुत सारी. कहां कहां गया? चराग शरीफ से शुरू होते हुए राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, डाउनटाउन में दो चार जगह पे. राजपुरा जो वहीदपुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है. I don't know उसकी assembly segment क्या है. He belongs to Rajpura only. Honestly, I don't know without, I don't mean any disrespect. Honestly, मुझे नहीं पता उनकी assembly segment क्या है. तो वहाँ गए दरगाह हज़रत. आपके खिलाफ बड़ा बोलते हैं वो. Let him grow. मुझे मेरी मुखालफत करते करते ही अगर वो ग्रो होना चाहते हैं, आई विश हिम बेस्ट. मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ. अच्छा बच्चा है, ग्रो करे, अगर सही सी सियासत करता है तो काम आएगा कौम के करीब. सो यू आर एल्डर टू हिम और ही इज एल्डर टू यू इन टर्म्स ऑफ एज? आई थिंक आई शुड बी एल्डर टू हिम. अच्छा, यू आर एल्डर टू हिम. ओके, सो योर पोलिंग स्टेशन फॉल्स इन श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी? नहीं, दैट फॉल्स इन बड़गाम, जो कि श्रीनगर पार्लियामेंट. हाँ, जो कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा था. अब अनफॉर्चुनेटली बारामूला आपकी मर्जी और मेरी मर्जी के बगैर डिलिमिटेशन की गई, तो हमें नॉर्थ. सो बेसिकली योर वोट इज इन बारामूला. माय ओन वोट इज इन नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी. डोंट यू थिंक इट वाज बेटर टू कंटेस्ट फ्रॉम बारामूला? बारामूला में क्या 2019 के जो अरेंजमेंट्स किए गए, क्या वो बारामूला में अलग थे और श्रीनगर में अलग थे? जिस इशू के लिए हम इस वक्त लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हर जगह सेम है. वही मुसीबत. अच्छा. बारामूला में भी है, वही यहाँ पे भी है. तो कोई वहाँ से उसके लिए काम करना चाहता है, कोई यहाँ से काम करे. वी ऑल हैव एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और वो कलेक्टिवली है. जम्मू कश्मीर इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है. बारामूला हो, साउथ हो, श्रीनगर हो, इट डजंट मैटर कहाँ से. थोड़ी ना कोई सड़कों की सियासत कर रहे हैं, किसी गली कोचे की सियासत कर रहे हैं, तो आपको बारामूला या श्रीनगर सोच. इस वक्त आपकी लड़ाई उनकी लड़ाई कश्मीरी के साथ है, तो वो कश्मीरी बारामूला में भी कश्मीरी है, श्रीनगर में भी कश्मीरी. तो गुजर भी है, पहाड़ी भी है, वो सब कुछ है. मैं ये अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूँ. वो चाहते हैं, कोई कहता है टूरिस्ट है, कोई कहता है गुजर है, कोई कहता है शिया है, कोई कहता है वो है. अच्छा, शिया वाज दैट यूज्ड बाय समवन? I mean, सुनने में आया ये तो. I did not hear it, but I don't know. दिल्ली से यही नैरेटिव. टूरिस्ट तो हमने सुना. नहीं, मैं दिल्ली की. दिल्ली. अच्छा, दिल्ली की बात. दिल्ली. मैं सोचा लोकली. टूरिस्ट भी तो वहीं से आया ना, दिल्ली से ही आया, तो उनको कहा गया कि यहाँ पे यूज करें. अच्छा, जो सज्जाद साहब यूज कर रहे हैं, उन्होंने कहा था? नहीं, आई मीन से कि जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं. अच्छा, कि टूरिस्ट का वर्ड उन्होंने यूज किया. टूरिस्ट वो कहते हैं कि वो उमर साहब को कहते हैं कि वो चले. जिस दिन वो बड़गाम आते हैं, मैं उनको बताता हूँ आप बड़गाम में टूरिस्ट है. अगर हम वहाँ. I'm not going into that politics, but tourists you used since. हम सब कश्मीरी है. सज्जाद जिनका आपने लिया, सज्जाद लोन साहब वो भी कश्मीरी है, हम भी कश्मीरी है, उमर साहब भी कश्मीरी है. हम सब के वजूद की लड़ाई है इस वक्त. हम सब का वजूद इस वक्त खतरे में. अगर हम एक दूसरे को बांटे, श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला, गुजर, शिया, सुन्नी वगैरह, कश्मीरी, पहाड़ी, तो जो ये काम करना चाहते हैं और जिन्होंने ये काम किया उनका काम. So, was Shia word used somewhere? दिल्ली से बहुत बार यूज हुआ. Who has used it here? पार्लियामेंट में यूज किया गया. No, I mean say, श्रीनगर का मुझे नहीं पता. श्रीनगर का मुझे नहीं. No, you mean say your rivals used it? नहीं, मैंने उनके मुंह से अभी तक नहीं सुना. So, rivals मतलब कौन? आपके political opponents. Competitors. हाँ, rivals. I mean say वहीद रहमान पर्रा या अशरफ साहब, उन्होंने यूज किया आपके बारे में? मैंने नहीं सुना. अच्छा, आपने नहीं सुना. फिर उनका ज़मीर जाने कहीं पे कहा तो. Do you think these things matter still in the society? अगर if these things matter, तो I'll be highly disappointed. You'll be disappointed? कि अगर ये चीज़ें गुज्जर, कश्मीरी, पहाड़ी, शिया सुनी अगर ये अभी भी मैटर करती है सोसाइटी में, जो कि अभी तक भी नहीं करती थी, खुसूसन अगर इन हालात के बाद अगर वो मैटर करती है, तो I'll be highly disappointed. From this society, from myself. तो हम तो खुद के दुश्मन खुद ही है. बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है फिर. रूहुल्लाह साहब, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे यू हैव स्पोकन आउट. लास्ट पे जो लोग आपको इस वक्त कश्मीर ग्राउंड पे देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपकी जानिब से? यू कैन tell my viewers what is your message to all the people of Jammu and Kashmir. मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. मैं भी वो बात कहूँगा जो दूसरे दोस्तों के सामने नहीं, उनके ज़रिए नहीं की, तो दिल की बात कहूँगा. आपके ज़रिए आपके नाज़रीन को ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा
चले अब दिल की बात दिल्ली में करें। चलिए दिल की बात दिल्ली में करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड आई वुड लव टू कम वन डे विद यू इन योर दिस कैंपेनिंग एंड आई वुड लव टू स्पेंड अ डे विद यू। रूहुल्लाह साहब इनवाइट करेंगे। हाँ श्योरली पूरा दिन मैं आपके साथ रहूँगा जहाँ पे भी आपका कैंपेनिंग होगा एंड मेरी कैमरा टीम आपके साथ रहेगी। वी विल जस्ट लुक आप कैसे कैंपेन करते हैं, लोगों को क्या बताते हैं, कैसे मिलते हैं उनके साथ। सुबह से शाम तक हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, विल बी ग्लैड टू होस्ट यू। थैंक यू। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे रूहुल्लाह मेहदी साहब। आप बड़ा मुतासर किया आज मुझे रूहुल्लाह मेहदी साहब ने। बहुत कम सियासतदान ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत कम सियासतदान जो दिल की बात करते हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि इनका उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब या पार्टी नाराज हो जाए। इन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान क्या बातें कही, जो रियली सियासत होती है, अच्छी सियासत जिसमें अगर आपके आका आपसे नाराज भी हो जाए लेकिन उसूल बेस्ड सियासत या प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स इन्होंने आज मिसाल कायम की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का इंटरव्यू। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद।